पूरे देश में कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण संपूर्ण मानव जाति पर संकट उत्पन्न हो गया है। इस महामारी के कारण एक देश के बाद दूसरा देश संक्रमण की चपेट में आता जा रहा है। इस बीमारी से लड़ने के लिए यह आवश्यक है कि समुदाय स्तर पर इसका संक्रमण प्रभावी तरीके से रोका जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि जहां पर भी कोविड-19 के पॉजिटिव लक्षण के व्यक्ति परिलक्षित हों, उस व्यक्ति के तात्कालीन संपर्क में आने वाले और उसके बाद के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का चिन्हीकरण किया जाए और उन्हें अलग करके उनकी चिकित्सीय जांच कराई जाए और यदि संक्रमण पाया जाता है तो उसके आधार पर उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। यदि कोई भी व्यक्ति इस कड़ी में छूट जाता है तो फिर संक्रमण रोक पाना बहुत कठिन होगा। आपको बता दें कि वर्तमान में कंटेनमेंट स्टडीज के दो बिंदु हैं। पहला ये कि जो व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव मिला है उसके निकट संपर्क के व्यक्ति को क्वारंटाइन कर टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए और अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए और दूसरा ये कि जहां पर कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है उसे एपिसेंटर के निर्धारित परिधि को सील करते हुए डोर टू डोर सर्वे कराया जाए और सीवर एंड माइल्ड सिम्टम्स वाले व्यक्तियों का चिन्हीकरण कराकर अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। इस प्रकार से सर्वे कार्य तथा प्राप्त सूचना पर प्रभावी अनुश्रवण किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि एक भी संदिग्ध केस छूटने ना पाए। वर्तमान में ये पूर्ण कार्य मैन्युअली किया जा रहा है जिससे ये कार्य जितने प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए नहीं हो पा रहा है, विशेषकर उन जनपदों में जहां ज्यादा पॉजिटिव केसेस पाए हैं। वहां सूचना एकत्र करना एवं मैन्युअली मॉनिटर करना असंभव है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली में जिलाधिकारी श्रीमती शुभ्रा सक्सेना के द्वारा इस कार्य को प्रभावी ढंग से करने हेतु कोविड-19 कंटेनमेंट ऐप का निर्माण किया गया है। इस समय जो मैनुअल मॉनिटरिंग की जा रही है उसे इस ऐप के माध्यम से ज्यादा प्रभावी ढंग से कराया जा रहा है। इससे कंटेनमेंट अप्रत्याशित रूप से प्रभावी हो सकेगा। साथ ही इस ऐप के माध्यम से ये सुनिश्चित हो सकेगा कि कोविड-19 से संबंधित संक्रमित व्यक्तियों की कड़ी में एक भी व्यक्ति छूटने नहीं पाएगा, जो संक्रमण रोकने हेतु काफी कारगर सिद्ध होगा। ये जो ऐप है अभी आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पब्लिक के यूज के लिए आरोग्य सेतु ऐप है, जिससे वो कोरोना कोविड-19 पॉजिटिव केसेस के आसपास आए हो या संक्रमित होने का खतरा हो वो उसकी जानकारी पा सकते हैं। लेकिन ये जो ऐप है ये प्रशासन के लिए है, ये सरकारों के लिए है जो डिजास्टर मैनेजमेंट का इस समय काम कर रहे हैं, पूरी सूचनाओं का संकलन करके उसको देखना चाह रहे हैं, उसको रेगुलरली मॉनिटर करना चाह रहे हैं। एक एक केस को मॉनिटर करने के लिए ये प्रशासन के लिए है, ये आम जनता के लिए नहीं है। ये हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की जो पूरी टीम है, हेल्थ विभाग, प्रशासन, पुलिस, उनके उपयोग के लिए।